बिल्कुल सस्ते दामों पर खस्सी और बकरी। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए बाबा से अब हम लोग मिल के विदा लेने का वक्त आ गया है दोस्तों। और ये हाथ कैसे कट गया आपका? थ्रेसर से। हैं? थ्रेसर मशीन से। थ्रेसर मशीन से। और कैसे धान मतलब कर रहे थे? धान लगाने थे। और धान लगाने था। और एक हाथ से काम कर लेते आप? हाँ, सारा काम। सारा काम कहाँ होगा, जैसे सारा काम जैसे पानी उनी निकालना? हाँ, वो सब हो जाता है। और देखिए गाय जिनका एक हाथ कट गया है, क्या मशीन से? थ्रेसर मशीन। थ्रेसर मशीन से। और देखिए एक हाथ कटने के बाद भी ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग बैठ जाते हैं लेकिन इनका मेहनत और जज्बा को देख सकते हैं कितने मेहनत कर रहे हैं सोहन टोपो भाई, और बहुत मेहनती है ये। इन्होंने चार बकरियों से, आप चार बकरी स्टार्ट किए थे ना जी, और अभी 52 बकरी हो गया है। 52 बकरी। और इन लोग को मतलब ये घास ही खिलाते हैं मतलब, और जैसे जो ब्रीडर बकरी होता है चोकर पुट्टी उसे नहीं, बस यही सर। हम तो किए थे चार बकरियों से। चार बकरियों से अभी आप कितने पास होगी बकरी? 52 बस। देखिए गाइस, चार बकरियों से स्टार्ट किए थे टोपो भाई, अभी इनके पास 52 बकरियां हो गए हैं। और ये 52 बकरियां जो है, आप लोग इन्हें बेचते हैं या फिर क्या करते हैं शादी में? शादी में पार्टी उर्टी में देते हैं, कोई मांगता है। ओ, कोई मांगता है ऐसे। मेरे जो यूट्यूब फैमिली जो है देख रहे हैं ये लोग, दर्शक लोग, वो लोग पूछते हैं कि हमसे बकरी खसी चाहिए रहता है, तो आप इस गाँव का जगह के बारे में बता दिए, गाँव का क्या नाम है? और हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, समीम जियो डंस टीवी। गाइज, आप लोगों को पता ही होगा हमारा जो वीडियो होता है विलेज मार्केट के बारे में, और गांव के लोग किस तरह से बकरी पालन करते हैं। अगर आप लोगों को भी सस्ते दामों में या किसी भी दामों पर आपको बकरी खसी चाहिए तो आप लोग, मैं इस जगह का एड्रेस बता दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन होगा उसे दबा दें और सब्सक्राइब कर दें, और मैं वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो चलिए, मैं ऐसे ही एक जगह लेकर आया आप लोग के लिए, बहुत ही अनोखा वीडियो है, इस वीडियो का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग आए हैं नामकुम स्टेशन से 2 किलोमीटर के दूर में मात्र आरा गाँव पड़ता है। आपको यहाँ पर कुछ भाई बहने गांव के लोग जो होते हैं वो लोग इस जगह पे रोड के बगल में ये पड़ता है रास्ता, वहाँ पे आरा गांव है, वहाँ पे ग्रामीण लोग अपने बकरी खसियों के साथ चलाते हुए दिख जाएंगे। और वो लोग फ़ोन यूज करते होंगे तो मैं उनसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लूँगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को एड्रेस बता दूँगा, जिससे आप लोग आसानी से आके ले सकते हैं, और यहाँ का पिन कोड। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंजॉयफुल होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइस। जैसे गांव के लोग किस तरह से बकरी पालन करते हैं अपने खेत के अंदर, और देखिए किस तरह से यहाँ पर बकरी पालन किया जाता है, गाँव के लोग कितना मेहनती होते हैं आप देख सकते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग बकरी को चराते हैं। अभी आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देहाती नस्ल की बकरियाँ होती है, बर्बरी और ब्लैक बंगाल। सिर्फ देहाती बकरी है कि खाली? सिर्फ देहाती। और सिर्फ देहाती बकरी खस्सी देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग यहाँ से आके ये खस्सी बकरी ख़रीद सकते हैं गांव के लोग से। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख सकते इस आरा गाँव के अंदर किस तरह से लोग बकरी फार्म करते हैं और कितने मेहनत करते हैं। आइए दिखाते हैं आप लोग को दोस्तों, यहाँ पे बकरी मालिक जो है वो चरा रहे हैं, देखिए। चलिए हम उनसे बातें करते हैं, और अगर आप लोग खस्सी बकरी लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से आके, नामकुम से 2 किलोमीटर दूर आरा गांव पड़ता है, आप लोग वहाँ से सस्ते दामों पर या किफ़ायती दामों पर या मिनिमम दामों पर आप लोग को खस्सी बकरी जो भी चाहिए बकरी पालने के लिए या फार्म खोलने के लिए या घरों में पालने के लिए या शादी ब्याह में खाने के लिए भी अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग यहाँ से आके ले सकते हैं। आइए, यहाँ पर एक भाई है, उनसे हम कुछ बातें करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? सोहन टप्पू। सोहन टप्पू, ये सारा बकरी खस्सी आप ही का है? हाँ। ओ, तो आप लोग कितने सालों से बकरी फार्म कर रहे हैं? फार्म नहीं किए हैं, इसे पाल पाल कर। हाँ, मतलब कितना बकरी से स्टार्ट की, जब आप लोगों के पास बकरी हो तो कितने बकरी से स्टार्ट किए थे आप? हम तो किए थे चार बकरी से। चार बकरियों से। अभी आप कितने पास होगी बकरी? 52 बस। देखिए गाइस, चार बकरियों से स्टार्ट किए थे टप्पू भाई, अभी इनके पास 52 बकरियाँ हो गए हैं। और ये 52 बकरियाँ जो है, आप लोग इन्हें बेचते हैं या फिर क्या करते हैं शादी में?
शादी उदी पार्टी उटी में देते हैं, कोई मांगता है? ओ कोई मांगता है। ऐसे मेरे जो यूट्यूब फैमिली जो है देख रहे हैं ये लोग दर्शक लोग, वो लोग पूछते हैं कि हमसे बकरी खसी चाहिए रहता है, तो आप इस गांव का जगह का बारे में बता दीजिए कि गांव का क्या नाम है और रांची से कितने किलोमीटर दूर है ये? रांची से 9 किलोमीटर दूर है। रांची से, और ये गाँव का क्या नाम है? आरा टंगरा टोली। आरा टंगरा टोली। देख लीजिए दोस्तों, आपको नामकुम स्टेशन जो है ना गाइस, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर आरा टंगरा गांव है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ये भैया का नाम तो आप लोग को मैंने बता दिया। आप लोग फ़ोन यूज करते हैं? फोन नहीं करते? फोन नहीं करते। देखिए दोस्तों, फ़ोन यूज नहीं करते, मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग को मैं एड्रेस इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से ले आ सकते हैं। और आप लोग हमेशा यहीं पर रहते हैं ना? बस यही आसपास चलाते, यही आसपास चलते हैं। देख लीजिए आप अच्छे से इन भैया का नाम फेस को, आप लोग यहाँ से आके सस्ते दामों पर ले सकते। सस्ते दामों पर क्या, किफ़ायती दाम पर, मतलब अच्छा दाम में मिल जाएगा, उतना मतलब महंगा दाम में भी नहीं, मतलब मिनिमम रेट में, मतलब यहाँ पे आपको खस्सी बकरी मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अभी हम बाबा का देखते हैं, यहाँ पे जितने भी खस्सी बकरी है, और कुछ ग्रामीण महिलाएँ भी आए हैं गाइस आपके मतलब बकरी चलाने के, वो भी अपने घर से 4-5, और आपने 52 जो बकरी है तो वो अभी बच्चा उच्चा दिए होंगे? हाँ कुछ अभी घर में भी है। घर में भी है? ओ देख सकते हैं ये बाबा कितने मेहनती है गाइस, एक हाथ होने के बावजूद भी, और एक हाथ इतनी लगन के साथ मेहनत करते हैं हमारे भारत के गांव के किसान लोग। आप भी ऐसे लोगों की मदद करें और आकर यहां से खस्सी बकरी ले जाए दोस्तों, इससे आपको भी नेकी होगा और मुझे भी नेकी होगा, और जो खरीदेंगे उनका भी और इनका भी भला होगा दोस्तों। क्योंकि आजकल के दौर पर बहुत से सारे चोर लोग जो होते हैं वो घूमते हैं और बकरियों खस्सियों को चुरा लेते हैं, किसी के फीलिंग को समझते नहीं है गाइस। तो आप लोग ऐसे लोगों की मदद करें और आके अच्छे दामों पर और किफ़ायती दामों पर ले, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और किसान भाई का भी फ़ायदा हो। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इस किसान भाई के और हमारा, तो इस नीचे एक लाल बटन होगा दोस्तों, वो वीडियो को दबा दे। अगर नहीं आप लोग हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे गाइस। तो चलिए आप लोग अभी दिखाता हूँ बकरी और खसी बाबा का अच्छे से गाइस, तो वीडियो पर बने रहिएगा। बकरियाँ और खसियाँ किस तरह से लड़ाई करती है, देखिए एक छोटा सा बकरी बच्चा पेड़ में चढ़ा हुआ है गाइस। देखिए दोस्तों किस तरह से इन दोनों के प्यार बीच प्यार मोहब्बत और दोस्ती, और ये किस तरह से खेलते हैं देख सकते हैं दोस्तों। देखिए छोटा सा चुदरी सा बच्चा, देखिए गाइस किस तरह पेड़ में चढ़ा हुआ है देख सकते हैं। ओ छोटू, ये देखिए दोस्तों डर रहा है ये, और किस तरह पेड़ का ऊपर चढ़ रहा है देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों बेहद ही खूबसूरत लोकेशन के बीच किस तरह से गांव के लोग बकरी फार्म और बकरी पालन करते हैं, और किस तरह से इतनी मेहनत करते हैं और धूप में चराते हैं। ऐसे किसान भाई लोग कितने मेहनती होते, देखिए ये जो आ रहे हैं दोस्तों, इनका एक हाथ नहीं है, इनका एक हाथ धान की मशीन में जो आया था तकनीक के उसमें कट गया था, और देखिए एक हाथ गंवाने के बाद भी कितना मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों बेहद ही खूबसूरत आप लोग ले जा सकते हैं यहाँ से देहाती बकरी खस्सी बिल्कुल सस्ते दामों पर। आप लोग दिखा देना चाहते दोस्तों, ये सकते दोस्तों इन्होंने मात्र 4 बकरियों से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, और अभी इनके पास 52 बकरियां हो गई है, और ये बहुत ही नफा कमाते हैं। तो आप लोग ऐसे लोग मदद करें दोस्तों, और यहाँ से आकर ले सकते हैं देख सकते हैं देहाती बकरियाँ खस्सी। और छोटू सकते दोस्तों आप लोग ले जा सकते हैं, देखिए बहुत ही बड़े मैदान पर किस तरह से जंगल है और चरा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग ले जा सकते हैं यहाँ से बिल्कुल सस्ते दामों पर खस्सी और बकरी। ले सकते हैं दोस्तों,
ये देखिए बाबा साहब, हम लोग मिल के विदा लेने का वक्त आ गया है दोस्तों। और ये हाथ कैसे कट गया आपका? थ्रेसर से है? थ्रेसर मशीन से। थ्रेसर मशीन से? कैसे धान मतलब कर रहे थे? धान लगाने थे। धान लगाने था। और एक हाथ से काम कर लेते आप? हाँ, सारा काम। सारा काम कहाँ होगा, जैसे सारा काम जैसे पानी उनी निकालना? हाँ, वो सब हो जाता है। देखिए गाइस, इनका एक हाथ कट गया है। क्या मशीन से? थ्रेसर मशीन। थ्रेसर मशीन से। और देखिए एक हाथ कटने के बाद भी ये मेहनत कर रहे हैं। बहुत से लोग बैठ जाते हैं, लेकिन इनका मेहनत और जज्बा को देख सकते हैं कितने मेहनत कर रहे हैं। सोहन टोपो भाई और मेहनती है ये। इन्होंने चार बकरियों से, आप चार बकरी स्टार्ट किए थे ना जी, और अभी 52 बकरी हो गया है। 52 बकरी। और इन लोग को मतलब ये घास ही खिलाते हैं, मतलब और जैसे जो ब्रीडर बकरी होता है चोकर कुट्टी सब नहीं खिलाते? बस यही सर, केवल चराना है सर। बस चराना। यहाँ सुबह कितना बजे पहुँचाते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ करीब करीब वही 8-9 बजे। 8-9 बजे पहुँच जाते हैं? देखिए दोस्तों, 8-9 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। आप लोग यहाँ से आके ले जा सकते हैं। ठीक बाबा, अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम लोग चलते हैं ना। ठीक बा दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस झारखंडी बाइक चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन होगा उसे दबा दें। और मेरे चैनल को मेरे पहले वाले वीडियो पे था उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सारे सब्सक्राइब किए हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर करें। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग नामकुम स्टेशन से 2 किलोमीटर के दूर आरा गाँव पड़ता है, आप लोग वहाँ से आके ग्रामीण लोग से डायरेक्ट ले सकते हैं। और मैं यहाँ का पिन कोड बार बार कहता हूँ कि मैं यहाँ का पिन कोड डाल दूँगा, ये लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते गाइस। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग कमेंट करते भैया फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर, तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ गांव के लोग फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग को एक खेद है, तो आप लोग यहाँ से आके खुद डायरेक्ट ले सकते हैं। कान्हा टोली से आप लोग आ सकते सीधा नामकुम स्टेशन है, और नामकुम स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये आरा गाँव पड़ता है। तो आप लोग यहां से आके डायरेक्ट खुद ही ग्रामीण भाइयों से ले सकते हैं। आप लोग को किसी भी काम के लिए, बकरी पालने के लिए या फिर शादी ब्याह के लिए या घर में पालने के लिए, तो आप लोग यहां से आके ले सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत लोकेशन के बीच में गांव के लोग मिल जाएंगे, बहुत ही नज़दीक। आपको दिखाना चाहता हूँ, बोल सकते गाइस वो रोड है आपका, रिंग रोड नहीं, आप नामकुम से 2 किलोमीटर आगे बढ़िएगा, रोड के बाएँ साइड में ही आपको ग्रामीण लोग यहाँ पे और महिलाएं लोग आपको बकरी पालन करते हुए बकरी चलाते हुए मिल जाएंगे। तो हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस झारखंडी बाइक चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, चलते हैं एक नई वीडियो पर और नई जगह पर। तब तक आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो को देखें और इन्जॉय करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहे गाइस।